तो वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अब तो हो चुकी है दोपहर। तो गुड आफ्टरनून सबको। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, तो कैसा लगा वो बताइएगा। और अब नया रूट स्टार्ट हो रहा है जी। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लोड कर दिया है। ये एसी है और जूसर मिक्सर है, एसी है, ये इंडक्शन है, ये भी मिक्सर है। तो वो प्रेसें पैक हो रही हैं। तो आज बादल देखिए, वाह। तो क्या है जी, बारिश का मौसम है तो इसको कवर भी करना है। हवा बहुत बढ़िया चल रही है, देखिए बादल। तो बारिश हो सकता 99% हमें मिलेगी। तो अभी ये सॉर्टेड हो रहा है कि कुछ सामान मिक्स हो गया, इसको अलग करके। तो ये अलग हो गया एक पार्टी का। चलिए तो भाई साहब, चलिए इसको हम लोड करके इसको अच्छी तरह से तरपाल डाल के तो फिर चलते हैं जी इनवॉइस लेके। तो भाई लोगों, गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है, बट चक्कर क्या है, ये बारिश भी बढ़ गई है और मैंने यहाँ पे शीट भी डाल दी है। तो बारिश अभी हो रही है फुल फ्लैच। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो इधर ये लड़के देख रहे हैं मेरा पुराने वाला व्लॉग कल का, तो आप भी देखिए व्लॉग हमारा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से कूच करेंगे, तो फिर मैं रास्ते में आपको बताता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो भाई साहब, आज का दिन जो है, मुझे लगता है बारिश और बारिश की वजह से थोड़ा धुल गया लगता है, क्योंकि लाइट भी चलेगी इस चक्कर में। तो अभी इनवॉइस वगैरह नहीं निकली, तो अभी मैं गाड़ी को गोडाउन में पार्क करने जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश का अभी भी मौसम बना हुआ है। लाइट जब तक नहीं आएगी तो इनवॉइस नहीं निकलेगी, इनवॉइस नहीं निकलेगी तो हम सामान को ले जा नहीं सकते। तो भाई साहब, ऐसे मौसम में ना दिक्कत बहुत आ जाती है। जो सामान होता है वो आपको आपको दिखाया ही है, जो एसी है, तो बारिश में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कहीं पे पानी अगर चला जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो जहाँ पे डिलीवरी करनी है वो सारा चेक करके लेते हैं कि अगर गीला है, टूटा है, या उसका बॉक्स जो होता है अगर टूटा हुआ तब भी वो दिक्कत कर देते हैं। तो भाई साहब, आखिरकार हम आज निकल पड़े। आधे से ज़्यादा दिन जो है ना भैया ख़राब हो चुका, क्योंकि बारिश थी पहले, बारिश की वजह से लाइट चली गई, तो उस वजह से हम हो गए लेट। क्योंकि लाइट जाने से क्या हुआ कि भी जो मैंने लोड किया हुआ माल, उसकी इनवॉइस नहीं निकली, तो इनवॉइस के बगैर तो जा नहीं सकते ना, तो इसलिए हो गए लेट। तो अभी टाइम जो है वो नियरली हो चुका, कोई 5:15 हो चुके हैं, 5:15 हो चुके हैं। तो जा कहाँ रहे हैं जी, महतपुर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से जलंधर से नकोदर वाया महतपुर है, एक टाउन है छोटा सा, वहाँ पे हम ले जा रहे हैं। आपको बताया था सुबह एसी वगैरह लोड किए हुए हमने, तो यहाँ से है 35 से 40 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमने अभी क्रॉस किया जी लांबड़ा, बहुत ही यहाँ का मशहूर, जो पहले बहुत छोटा सा गाँव होता था, अब तो बहुत बड़ा टाउन बन चुका है, तो ऑलमोस्ट जलंधर शहर के साथ ही जुड़ चुका है। तो उसको क्रॉस किया, तो ट्रैफिक का यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मिलता ही है। तो सामने देखिए जी, एक बड़ा सारा ट्रक है जो कि रास्ता रोक के खड़ा। तो यहाँ पे अभी सड़क का काम जो है, रोड का काम चल रहा है, कहीं से डबल हो जाती है और कहीं ये सिंगल हो जाती है, तो देख के जाना पड़ता है। तो ये डिवाइडर का काम चल रहा है अभी, इस तरफ थोड़ा सा कच्चा ही है। तो चलिए, काम चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए, तभी देश की तरक्की होती रहेगी। तो अगर मैं रोड की बात करूं भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त रोड, कम से कम 250-300 किलोमीटर जो है ना, यहाँ से सीधे जो आगे स्टेशन आते हैं ये जाती है सीधी बठिंडा की तरफ रोड। तो सारी रोड ऐसी है, और मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त रोड है ना, अगर वो आदमी चलता जाए तो मैं नींद आ जाती है। बहुत ही बढ़िया रोड है, क्या फ्लाईओवर है, वाह। और मुझे याद है, बहुत साल पुरानी बात है, जब हम छोटे होते थे तो यहाँ की सिंगल रोड होती थी और इतना ट्रैफिक होता था,
आना जाना बहुत मुश्किल था। तो नगोदर जाने के लिए ही पौना घंटा एक घंटा लग जाता था, अभी तो 20 मिनट में बंदा पहुंच जाता है। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं जी नगोदर शहर में, और ये नगोदर शहर मशहूर पता किस चीज़ के लिए है ज़्यादा, यहाँ पे है एक बहुत ही मशहूर बाबा पीर की जगह, उसको बोलते हैं मुरादशाह, बाबा मुरादशाह की जगह बहुत ही मशहूर है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं माथा टेकने थर्सडे वाले दिन, और बहुत बड़ा मेला भी लगता है उस जगह के लिए नगोदर शहर बहुत ही मशहूर है। और ये हम एंटर हो गए हैं नगोदर शहर में, अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स डिलीवर करना है, बस वहाँ पे लगेंगे एक दो मिनट ही हमें, तो उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगा जी महतपुर। तो भाई साहब यहाँ पे हम करेंगे छोटा सा बॉक्स डिलीवर, तो फटाफट डिलीवर करके हम आगे बढ़ते हैं। इसको खोल लेते हैं अच्छी तरह से रस्सियाँ। तो भाई साहब नगोदर में जैसे कि आपने देखा ही है बॉक्स हमने कर दिया डिलीवर, तो एक ही बॉक्स था, तो अब जा रहे हैं महतपुर की तरफ। ये है जी रेलवे क्रॉसिंग जो कि अभी बंद है, आप देख रहे होंगे ट्रेन जा रही है, आपको ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेन जा रही है, तो हम लगे हुए हैं लाइन पे, तो 10 मिनट हो गए वेट करते हुए, तो ट्रेन आ गई है बस अब में भी खुल जाएगा, अगर दूसरी नहीं आनी हो तो ये खुल जाना चाहिए अभी। तो मौसम अभी बढ़िया जी, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, ये आपको ये देखिए फ्लैग बढ़िया लग रहे हैं ना भाई। लोगों हम नगोदर से निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं जी महतपुर, और ये देखिए महतपुर का रास्ता है, सिंगल रोड है, और आस पास जो है ना हरियाली ही हरियाली है, और मौसम इतना बढ़िया है ना जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही, मौसम में ना अब चेंज आना शुरू हो गया, पहले होती थी सुबह गर्मी शुरू रात तक गर्मी, अब क्या होता है सुबह हल्का सा थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, और शाम को भी क्या है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ये देखिए जी ऐसे यहाँ पे हमारे रोड के ऊपर महा अनुभव अनुभव क्या कहते हैं उनको जी, बद्र पुरुष जो है बिना हाथ दिए बिना बताए सड़क पे आ जाते हैं, तो ये मुसीबत का कारण बन जाते हैं, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा, स्लो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर इनसे बच के थोड़ा सा। ये दो लोग जा रहे हैं जी यारी दोस्ती निभाते हुए, दोनों बराबर, जब भी पास आता हूँ रास्ता दे नहीं रहे, अभी तो सड़क खाली होगी चलो निकल जाते हैं, पर आगे से फिर गाड़ी आ जाती है, पर इनकी दोस्ती नहीं टूटेगी, ये दोस्ती नहीं टूटेगी। ये देखिए जी वाह सोफा बना दी है बाइक का, तो आराम से भाई साहब अपनी वो हैंडल के ऊपर हाथ रखा हुआ है और बात सुनते जा रहे हैं, तो यारी हो तो ऐसी। तो लीजिए जी हम पहुंच चुके हैं महतपुर, बस एक मिनट का ये रास्ता है, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ काफ़ी बार इस शॉप पे जहाँ हमने डिलीवर करना है सामान।